हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 ब्रांच अकाउंट का। इसके पहले हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाकर किस तरह से प्रॉफिट लॉस अकाउंट फाइंड किया जाता था उस पर डिस्कशन कर चुके थे, और इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाकर प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि जो हेड ऑफिस है वो जो इनवाइस इशू कर रहा है ब्रांच अकाउंट को, वो कर रहा है कॉस्ट प्लस 25%। मीन जो आपका गुड सप्लाई किया गया है उसमें 25% एक्स्ट्रा वैल्यू इंक्लूड है, यानी 25% अगर आपकी कॉस्ट 100 रुपीज़ है तो जो ब्रांच को दिया गया है वो 125 रुपीज़ में दिया गया है। तो सबसे पहले जो आपका ओपनिंग स्टॉक होगा अगर ब्रांच अकाउंट में, उसको हमें कॉस्ट में कन्वर्ट करना होगा। गुड सप्लाइड गिवन होगा, उसको हमें कॉस्ट में कन्वर्ट करना होगा। अगर गुड्स रिटर्न टू एचओ है उसको हमें कॉस्ट में कन्वर्ट करना होगा, और अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है आपका तो उसको हमें कॉस्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे जो इनवाइजिंग भी है वो कॉस्ट प्लस 25% भी है, तो जो भी वैल्यू आप कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो मीन्स जो वैल्यू गिवन है वो 125 के अकॉर्डिंग गिवन है, और कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 125 से डिवाइड करेंगे वैल्यू को और इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो वैल्यू गिवन है वो 100 प्लस 125 बेस के अकॉर्डिंग गिवन है, और हमें वैल्यू क्या चाहिए, एक्चुअल वैल्यू चाहिए, और एक्चुअल वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे। तो आपको कौन कौन सी वैल्यू कन्वर्ट करनी होगी, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सप्लाइड, गुड्स रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक, चार वैल्यू आपको कन्वर्जन करना होगा जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक, देखिए क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपके पास गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ गिवन है 150,000, और सेकेंड में गिवन आपका 125,000। तो जब 150 को आप कॉस्ट में कन्वर्ट करोगे तो 150,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 100 हो जाएगा। इसी तरह से 125 को जब हम कन्वर्ट करेंगे कॉस्ट प्राइस में तो 125,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 100 हो जाएगा। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक गिवेन है, आपका क्लोजिंग स्टॉक को जब हम कन्वर्जन करेंगे तो उसमें फिर वही रूल्स फॉलो होगा आपका, 45,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 100 हो जाएगा, और सेकेंड 35,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 100 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें गुड्स रिसीव को कॉस्ट में कन्वर्ट करना होगा, और जो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है उसको हमें कॉस्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने टू गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ शो कर दिया, उसमें 150 गिवन था, 150,000 डिवाइड बाय 125 इंटू 100 कर दिया, और 125 डिवाइड बाय 125 इंटू 100 कर दिया, तो ये आपका गुड्स रिसीव्ड आ गया। सेल्स की वैल्यू के लिए आपके पास कैश सेल्स गिवन थी, क्रेडिट सेल्स गिवन थी, सेल्स रिटर्न गिवन था। आप कैश सेल्स में क्रेडिट सेल्स प्लस करेंगे और सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम शो करेंगे 2,01,500। यही कैलकुलेशन आपका सेकेंड कॉलम में होगा, सेकेंड ब्रांच के लिए उसको हम शो कर देंगे। फिर बात आती है क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट में वैसे ही कन्वर्ट करेंगे जिस तरह से हमने गुड्स रिसीव को कन्वर्ट किया था। क्लोजिंग स्टॉक था आपका 45,000, 45,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 100, और सेकेंड ब्रांच के केस में 35,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 100, वही कैलकुलेशन प्रोसेस होगा। इसको कन्वर्ट करने के बाद हमने बाई क्लोजिंग स्टॉक शो कर दिया 36,000 एंड 28,000। देन यू हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमने क्रेडिट साइड प्लस किया, डेबिट साइड माइनस किया, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,17,500, और सेकेंड ब्रांच का आ गया 1,22,000। इस ग्रॉस प्रॉफिट को बाई साइड पे क्रेडिट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,17,500 एंड 1,22,000। उसके बाद जो फर्दर एक्सपेंसेस गिवेन है, जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं किए हैं, जो इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस थे, उसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या एक्सपेंसेस गिवेन है। इसमें गिवेन है आपका रेंट एंड टैक्सेस, डेबिट साइड पे आ जाएगा। सैलरीज गिवेन है, टू सैलरीज करके शो कर देंगे, टू जनरल एक्सपेंसेस शो कर देंगे, टू एडवर्टीजमेंट शो कर देंगे एंड टू बैड डेट शो कर देंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो एक्सपेंसेस गिवेन थे आपके, वो सारे एक्सपेंसेस हमने डेबिट साइड पे शो कर दिया, टू रेंट एंड टैक्सेस, टू सैलरीज, टू बैड डेट्स, टू जनरल एक्सपेंसेस एंड टू एडवर्टीजमेंट। तो इस तरह से हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट की सारी एंट्रीज कंप्लीट कर ली, और अब हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट से प्रॉफिट फाइंड करना है। क्रेडिट से डेबिट हम माइनस करेंगे,
देन दिस इज द नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट 82,200 एंड इन सेकेंड केस 92,800। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन हो गया। अगर डेबिट साइड ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन ऑफ क्रेडिट साइड तो आपका नेट लॉस होगा, जिसको हम बाय साइड पे शो करेंगे बाय नेट लॉस के नाम से। तो इस तरह से हम बनाते हैं ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।